आज हम बनाने जा रहे हैं कोल का कोफ्ता। कोल के लिए हम लोग कोफ्ते के लिए हम लोग ना आलू ले रहे हैं और कोल ले रहे हैं। इसे अच्छी तरह से कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस जब आपका हो जाए ना, तो इसमें क्या कर रहे हैं, बेसन 2 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालना है, ठीक है। इसके बाद इसमें हरी मिर्च और अदरक और लहसुन, ठीक है, इसमें ग्राइंड करके हम फेटेंगे। और हल्का सा हल्दी लेंगे और नमक स्वाद अनुसार डाल करके इसे अच्छी तरह से फेंट ले। फेंटने के बाद इसे अच्छी तरह से जैसे भी आपको शेप देना हो, गोल देना हो या फिर जिस भी शेप में देना हो, शेप दे करके आप इसे फ्राई कर ले। अब फ्राई करने के बाद क्या करें, अब हम ग्रेवी के लिए तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे प्याज है, अदरक है, लहसुन है, ठीक है ना। ये जब आपको फ्राई हो जाए, देखिए बरी कितनी सुंदर बन गई है मेरी, ठीक है। प्याज अदरक लहसुन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तेज़पत्ता मैंने डाला था, मैं दिखाना एक्चुअली भूल गई, ठीक है। तो फिर इसके बाद मैंने जब आपका प्याज अदरक लहसुन ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, थोड़ी देर फ्राई करना है, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और है ना, इसके बाद हम मसाला ऐड करेंगे। मसाला में मैंने क्या क्या लिया था, धनिया, जीरा और ये जो गोल मिर्च का पाउडर था ना, गोल मिर्च का पाउडर लिया था और लाल मिर्च पाउडर लिया था, ये सब लेकर के और फेंट करके मैंने इसमें ऐड किया हुआ। और ज़्यादा कुछ नहीं, वो जब भून जाए तो इसमें आप पानी ऐड करें। पानी ऐड करने के बाद इसमें जो आपका बड़ी है ना, जो कोफ्ता है, कोफ्ता जो तैयार करके रखा हो वो डाल लीजिए। और मैंने करी पत्ता ऐड किया।